ठीक है बेटा, अभी बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने कहा था वो ठीक से पहले उसको सुनते हैं कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन और हीलियम का होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा था मैंने। मैंने कहा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन पे तो अप्लाई होता ही, हाइड्रोजन को थोड़े कहा था नहीं अप्लाई होता, हाइड्रोजन में तो अप्लाई होगा ही। बोर मॉडल को डिराइव करते समय एक डाउट पूछा है बच्चा ऐश्वर्या ने, इसलिए मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डाउट ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्स मॉडल को डिराइव करते समय, याद करो, बोर्स मॉडल को डिराइव करते समय हमने क्या इमेजिन किया था, हमने इमेजिन किया था वन इलेक्ट्रॉन। और सारे डेरिवेशन वन इलेक्ट्रॉन को लेके हमने डिराइव किया था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, तो मान लो अगर ऐसा हुआ तो इधर भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होने लगेगा और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब जो ये हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो करेक्ट नहीं, बराबर नहीं रह जाएगा। और इसलिए बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और एक ही इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, हाइड्रोजन के पास, तो इसमें अप्लाई होगा। लेकिन क्या और भी किसी में अप्लाई हो सकता है? हो सकता है एच ई प्लस में, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है टू, टू का मतलब इसके न्यूट्रल एटम में दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके न्यूट्रल एटम में दो इलेक्ट्रॉन एक निकाल दोगे तो एच ई प्लस बन जाएगा और वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ये देखो ना, एक निकाल दिया तो एक रह गया, अब इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं, किसकी, एच ई प्लस की। इसी तरह से एल आई टू प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है थ्री, मतलब न्यूट्रल एटम में तीन इलेक्ट्रॉन और दो निकाल दिया तो अब बच कितना गया, एक। बी थ्री प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे फोर, अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस थ्री आ गया तो बच कितना गया, एक। इन सभी में बोर मॉडल अप्लाई होगा, हाइड्रोजन में, एच ई प्लस में, एल आई टू प्लस में, बी थ्री प्लस में। न्यूट्रल एटम सिर्फ हाइड्रोजन में अप्लाई होगा बोर्स मॉडल। आइडिया क्या है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। समझ में आ गया ऐश्वर्या? आगे बढ़े। तो हमने कल बोर्स एटॉमिक मॉडल में ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में सीखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है या किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी चेंज कितना होगा, सही है ना? कल हमने सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक कौन है, किसका माइक कौन है, सबका माइक मैं बंद कर दूंगा, माइक किसी का नहीं ऑन होना चाहिए, केवल क्वेश्चन पूछते समय माइक को ऑन होना चाहिए। अरे ये कौन लिख रहा है, ये कौन लिख रहा है बोर्ड पे? अरे माइक सबका ऑफ होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और आज की बात शुरू करते हैं।
आज हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के लास्ट स्टेज पे हैं, आखिरी इंपॉर्टेंट बात बोर्स एटॉमिक मॉडल का एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसको एक सिचुएशन से मैं समझाता हूं पहले कि क्या हम बात करने जा रहे हैं। एक कोई बोर एटम लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, और अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो ये जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। इसके लिए ट्रांजिशन एनर्जी की कितना एनर्जी, क्या हमने पढ़ा है पोस्टुलेट में कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, कितनी एनर्जी रिलीज करता है ट्रांजिशन एनर्जी के बराबर, और वो ट्रांजिशन एनर्जी डेल्टा ई क्या था, सम कांस्टेंट ई के जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, जहां पे एन वन स्मॉलर ऑर्बिट नंबर है और एन टू हायर ऑर्बिट नंबर है। इसके आगे अब बात को पकड़ना, इलेक्ट्रॉन तो आ गया हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो ये ट्रांजिशन एनर्जी के बराबर जो एनर्जी रिलीज होगा बाहर वो एनर्जी किस फॉर्म में हमें दिखेगा, लाइट के फॉर्म में। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट में एनर्जी होता है, मालूम है ना आपको, तभी तो धूप में रख देते हैं किसी चीज को तो गर्म हो जाता है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या आपको मालूम है सन से निकलने वाले लाइट एनर्जी कि एक मिनट में इतनी एनर्जी होती है, सन से सन रे जो निकलता है उसके एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट में इतनी एनर्जी होती है कि पूरी दुनिया का एनर्जी कंजम्पशन उससे पूरा हो सकता है एक साल के लिए। सन के एक मिनट की एनर्जी पूरे दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साल तक चला सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून, इतने देर बाद याद आया। ठीक है, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट के पार्टिकल की एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच न्यू। अब देखो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। हमसे पूछा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो निकलने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे कि जितना एनर्जी रिलीज होगा वो सभी एनर्जी ऑफ फोटोन बन जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट बन जाएगा, यानी कि दिस डेल्टा ई विल बिकम इक्वल टू एच न्यू, इतनी एनर्जी रिलीज होगी और वो बाहर निकल के लाइट की एनर्जी बन जाएगी, और हम सब जानते हैं न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना, याद है कि सब भूल गया सब, सी बाय लैम्डा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, एच सी बाय लैम्डा विल बिकम इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, वेवलेंथ, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, बीच में थोड़ा खाली जगह छोड़ना, अभी
वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई के अपॉन एच सी, इसको रख लो ब्रैकेट के अंदर, इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। और इस वन अपॉन लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए मैंने जगह खाली छोड़ा था, न्यू बार। और इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, वेव नंबर। सो वन अपॉन लैम्डा विच इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर इज ई के अपॉन एच सी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। नाउ यू सी, ई के कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, अगर ये सभी कॉन्स्टेंट तो ये पूरा मिलके बन जाएगा एक सिंगल न्यू कॉन्स्टेंट, और उसे हम डिनोट करते हैं आर एच से, आर एच, आर सबस्क्रिप्ट एच, जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। यानी कि किसी ट्रांजिशन में निकलने वाले लाइट के वेवलेंथ के लिए हमने इक्वेशन लिखा, जरा उसको मैं अलग से लिखता हूं कि क्या हमने डिराइव किया, जरा देखना ध्यान से। सो वन अपॉन लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा जिसे हम वेव नंबर भी कहते हैं, इज व्हाट, आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को रीडवर्क्स इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को रीडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, रीडवर्क्स इक्वेशन कहते हैं। समझ गए, रीडवर्क साइंटिस्ट का नाम है, और उस रीडवर्ग इक्वेशन में जो कांस्टेंट है आर एच, इसे हम रीडवर्क्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। देखो वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है, तो नीचे है लेंथ, तो वन अपॉन लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो रीडवर्क कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। तो हमने रीडवर्ग इक्वेशन डिराइव किया, पर्पस क्या है इसका, किसी ट्रांजिशन में निकलने वाले लाइट की वेवलेंथ मालूम करना। तो हमने आज निकाला ट्रांजिशन वेवलेंथ इक्वेशन, जिसे कि रीडबर्ग इक्वेशन कहा जाता है। क्या है, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार विच इज आर एच जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। जरा एक बार फिर से सुन लो इस इक्वेशन को, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होगा, जिसका वेवलेंथ होगा इस इक्वेशन से सॉल्व होगा।
इतना ही नहीं, अगर हायर से लोअर में आता है एनर्जी रिलीज होता है, तो बाहर से एनर्जी दें तो लोअर से हायर में भी जा सकता है ना। तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसको इधर भेजें, हाउ, बाय गिविंग लाइट एनर्जी, तो उसकी भी वेवलेंथ यहीं से सॉल्व होगा। हायर से लोअर में आएगा तो कहेंगे इतने वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, और अगर लोअर से हायर में जाएगा तो कहेंगे इतने वेवलेंथ की लाइट देनी पड़ेगी। समझा क्या? तो रीडबर्ग इक्वेशन का एप्लीकेशन अब आज हम लोग सीखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो कितने वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। एक मिनट में अगर इक्वेशन याद है, रीडबर्ग इक्वेशन याद है तो तुरंत हम बता देंगे। जैसे एक सिचुएशन लो, डिटरमिन determine wavelength of light, determine wavelength of light emitted when an electron from fourth orbit jumps to second orbit in hydrogen atom. RH रीडबर्ग कांस्टेंट रटना नहीं है, आपको दिया जाता है वैल्यू, हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब अगर इक्वेशन याद है तो बताओ, इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इक्वेशन नहीं याद है तो ये मुश्किल क्या होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। कहां से कहां जाना है? फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, N2 है 4 और N1 है 2, हाइड्रोजन है Z1। लिखेंगे वेवलेंथ का इक्वेशन, रीडबर्ग इक्वेशन, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, अभी आर एच ही रहने दो, z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन वन, 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, सही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, आर एच इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16। आज पढ़ी लो आप भी केमिस्ट्री। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, ये आर एच इंटू 16 हो जाएगा एलसीएम, 4 जा 16 माइनस 1, 3 आर एच अपॉन 16, सही है ना। हेलो बच्चों, एक नया स्टूडेंट जुड़े हैं, एक न्यू स्टूडेंट तुम्हारे साथ आए हैं जिनकी उम्र सिर्फ 50 साल है। संजय बस्के सर भी ज्वाइन किए हैं, केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो 3 आर एच अपॉन 16, अब लैम्डा क्या हो जाएगा बोलो, इनवर्स ले लेंगे तो 16 अपॉन 3 आर एच। अब सुनो ध्यान से, एटमिक स्ट्रक्चर में ये काम बार बार करना पड़ेगा, वेवलेंथ के लिए हमेशा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें हमेशा आर एच डिनोमिनेटर में आएगा, और आर एच का कितना गंदा सा वैल्यू है, 1.09710⁷। तो आपको क्या करना है, आपको एक याद रखना है अपने को, 1 अपॉन आर एच 91 नैनोमीटर होता है, इसको याद रखना है।
अगर इसको याद रखोगे तो लाइफ बहुत कूल रहेगा, और नहीं तो फिर नीचे RH का वो वैल्यू, गंदा सा वैल्यू रखो और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करो, है या नहीं। रखें जरा RH की वैल्यू और देखें क्या होता है। तो ये 16/3 इंटू, देखो 1/RH अगर याद है तो आप सीधा 91 लिख सकते हो, ये नैनोमीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो 90 होता तो 30 हो जाता, तो अभी 30.3 है, करो मल्टीप्लाई, 30 होता तो 480, ये लगभग 485 नैनोमीटर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों को? एटमिक स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन बड़ा गंदा होता है, लेकिन अगर तरीके से करें तो बहुत आसान हो जाता है। अब नीचे RH का वैल्यू रख के अगर सॉल्व करने लगे तो पता नहीं है कितना टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर 1/RH याद है देन इट्स वेरी सिंपल। एक आप ट्राई करो, बच्चे लोग ट्राई करेंगे, लिखो डिटरमिन। सर एक मिनट, सर लिखा नहीं ऊपर। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट इन, अब हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम आयन। ट्राई करो, हीलियम आयन में फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो किस वेवलेंथ की लाइट बाहर से देनी पड़ेगी, किस वेवलेंथ वाले लाइट का बल्ब जलाना पड़ेगा हीलियम आयन के सामने, यह है क्वेश्चन। ट्राई करें, कोशिश करें। एक मिनट अब आपके लिए, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, सुनूंगा, देखूंगा कि आप क्या करते हो। कर रहे हो ट्राई, हो रही है कोशिश? ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा था, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, यानी कि N1 है 1 और N2 है 3। इस बार Z1 नहीं है, Z2 है, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है ना, बस इतनी सी तो बात चाहिए। एक्सप्रेशन क्या है, रीडबर्ग इक्वेशन, 1/λ इज इक्वल टू RH, Z2 Z2 है। अरे वाह, ऐश्वर्या ने आंसर बताया 101.7 नैनोमीटर। ऐश्वर्या का आंसर है 101.7 नैनोमीटर, और किसी का? वन अपॉन N1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। ये देखो क्या हो गया, RH इंटू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8/9, RH इंटू 4 इंटू 8/9, ये हो गया कितना, चेक करो, ये आ गया 32 RH/9, लेकिन ये तो 1/λ है ना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 9/32 RH नीचे, और अभी अभी मैंने आपको बताया था 1/RH का वैल्यू कितना लेना है, 91,
ये हो जाएगा 9 अपॉन 32 इंटू 91 नैनोमीटर। चेक करते हैं जरा, 91 जा 9 और 99 जा 81 डिवाइडेड बाय 32। अरे तो ऐश्वर्या का तो गलत था, 101 तो नहीं है बेटा, कितना आ रहा है देखो, चेक करो जरा, 819 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ गया, 819 डिवाइडेड बाय 32 और जल्दी बोलो, 819 डिवाइडेड बाय 32 हाँ 25 नैनोमीटर, बिल्कुल सही स्वाति, इसका आंसर सही आया, 25 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। समझ गए? बताओ। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन वेवलेंथ सॉल्व कर रहे हैं। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना, रोना मत, ये मुश्किल हो गया। एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आप सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिटरमिन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन ब्रिंग अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ट्राई करो जरा, दो मिनट आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन ब्रिंग अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट। आयोनाइजेशन, सबसे पहले आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन में होगा क्या, यह है बोर एटम और इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में। आयोनाइजेशन में क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, यानी कि N1 इज इक्वल टू 1 से N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेके जाना है। तो इसके लिए जो ट्रांजिशन एनर्जी, ध्यान से सुनना, जो ट्रांजिशन एनर्जी हम निकालते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं तरीका पहले बता रहा हूँ समझाने के लिए। ट्रांजिशन एनर्जी जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ई के जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, और ये आ जाता है ई के ही आ जाता है,
जिसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सब जानते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी कि ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा दोगे तो निकल जाएगा। 13.6 की जगह 15 दोगे तब भी निकल जाएगा, 50 दे दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब भी निकल जाएगा, इससे कम पे नहीं निकलेगा। तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी हमने निकाला है, विच इज नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन में भी लिखा था हमने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो ये मिनिमम एनर्जी है ना, और आपको मालूम है कि डेल्टा ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ध्यान से देखना, ट्रांजिशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। अगर इस मिनिमम एनर्जी का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा, यानी कि वन टू इन्फिनिटी के लिए रीडबर्ग इक्वेशन जब लगाओगे, वन टू इन्फिनिटी के लिए जब रीडबर्ग इक्वेशन लगाओगे और उससे जो वेवलेंथ आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ हुआ होगा। उससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ हुआ, ध्यान से सुनना, उससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ हुआ तो उस ट्रांजिशन की ट्रांजिशन एनर्जी लेस देन दिस 13.6 हो जाएगी और आयनाइजेशन नहीं होगी। लेकिन उस वेवलेंथ से कम अगर वेवलेंथ लाइट का हुआ, तो वेवलेंथ अगर कम हुआ तो एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो जो वेवलेंथ हम निकालेंगे वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। उससे ज़्यादा वेवलेंथ रखोगे तो आयनाइजेशन नहीं होगा। कुछ समझा क्या? यानी कि अगर समझ में आए तो सॉल्यूशन इसका 10 सेकंड का है। देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये तो 0 है, ये 1 है, तो 1 माइनस 0 इज 1, सो इट इज सिंपली आर एच। सो लैम्डा इज 1 बाय आर एच, 91 नैनोमीटर। ये जो निकाला आपने ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुआ तो एनर्जी की वैल्यू 13.6 से कम हो जाएगी एंड देयर विल बी नो आयनाइजेशन। सही है या नहीं बताओ? समझे सभी लोग? तो आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होता है और इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। समझ गए तो आगे बढ़ें, इजाजत है? अब आ जाओ नेक्स्ट, एक बार फिर से समझा, नेक्स्ट सिचुएशन को समझना है। फिर से समझा एक बार, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, इसी ट्रांजिशन वेवलेंथ से रिलेटेड है सर। कह रहा है विच ट्रांजिशन, विच ट्रांजिशन इन हीलियम आयन वुड गिव लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, light of same wavelength as given in, क्या ले लें,
गिवेन इन 4:2 ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है, इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम में ये है हाइड्रोजन एटम, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहां है और इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जा रहा है, 4:2 ट्रांजिशन। तो इससे लाइट निकलेगी जिसका कुछ वेवलेंथ होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि हीलियम में क्या कोई ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें कि इसी वेवलेंथ की लाइट निकले। हीलियम आयन के अंदर यह है Hg+। हीलियम आयन के अंदर वो कौन सा ट्रांजिशन है जिसमें कि सेम वेवलेंथ का लाइट मिलेगा। मान लो वो N2 से N1 ट्रांजिशन कर रहा होगा ऑनेस्टली बताओ पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन उसका बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन है कि हीलियम आयन में वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, हीलियम आयन में वो कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें जिसमें हीलियम आयन में बेटा एक ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1। तो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लाइट निकलेगा, उस लाइट का कुछ वेवलेंथ होगा। हमें हीलियम में वो ट्रांजिशन ढूंढना है जिससे कि उसी वेवलेंथ का लाइट मिले जो कि हाइड्रोजन में 4 से 2 में मिल रहा है। भाई हाइड्रोजन में 4 से 2 ट्रांजिशन हुआ तो लाइट निकलेगी, उस लाइट का कुछ वेवलेंथ होगा, 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, कुछ वेवलेंथ तो होगा ना उस लाइट का। आपसे पूछा गया उतना ही वेवलेंथ का लाइट हीलियम में कौन से ट्रांजिशन में मिलेगा। क्वेश्चन समझा कि नहीं? हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे। आपको दो अलग अलग हाइड्रोजेनिक सिस्टम में ट्रांजिशंस वेवलेंथ को मैच करना है, आपको दो अलग अलग सिस्टम में ट्रांजिशंस ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि सेम वेवलेंथ का लाइट मिलता हो। एक में दिया रहेगा ऑर्बिट नंबर, दूसरे में पूछा जाएगा। अब समझा क्वेश्चन? बोलो। नहीं सर। तो अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन तो क्या है, दोनों का ट्रांजिशन वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों से सेम वेवलेंथ का लाइट मिलना चाहिए, तो दोनों के लिए रीडबर्ग इक्वेशन लिख के दोनों का लैम्डा इक्वेट कर देंगे। इतनी सी तो बात है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए रीडबर्ग इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू Rh × 1² 1/N1² 1/2² देखो 2 में आ रहा है, −1/N2² इज इक्वल टू हीलियम से भी वही लाइट निकलना चाहिए, तो हीलियम का भी ट्रांजिशन वेवलेंथ वही होगा, इसका भी 1/λ लिखेंगे तो क्या होगा, Rh × Z² Z2 है अब, −1/N1² −1/N2² समझा ना? ये दोनों लैम्डा सेम है, और अगर दोनों लैम्डा सेम है, दोनों वेवलेंथ सेम है,
अगर दोनों लैम्डा सेम है तो 1 बाय लैम्डा भी इक्वल होगा। क्या करेंगे, दोनों के 1 बाय लैम्डा को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 बाय लैम्डा क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड में है आर एच 1/4 माइनस 1/16, ध्यान देना ये 4 है ये 16 है, इज इक्वल टू आर राइट साइड में आर एच, ये 4 को अंदर ले जाओ ब्रैकेट में 4/(n1) का स्क्वायर माइनस 4/(n2) का स्क्वायर, समझ गया ना, 4/(n1) का स्क्वायर माइनस 4/(n2) का स्क्वायर। अब आर एच आर एच तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब देखो ये दोनों अगर इक्वल है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट कर देना है, कहना है फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 4/(n1) का स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहां से n1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से इक्वेट करेंगे 1/16 इज इक्वल टू 4/(n2) का स्क्वायर, यहां से n2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 64, एंड n2 क्या आ जाएगा √64 8। हीलियम में n1 n2 हमने सॉल्व कर लिया 4 एंड 8, इसका मतलब ये हुआ कि ये है हीलियम, ये है 8 और ये है 4। हीलियम में अगर इलेक्ट्रॉन 8th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में आता है तब जो लाइट प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ वही होगी जो हाइड्रोजन में 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में प्रोड्यूस होता है, समझ गया। फोर कैसे आया न्यूमरेटर में, अरे यहाँ ये 2 का स्क्वायर है ना 4, तो ये जब ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, क्या सीखा हमने, हमने सीखा दो डिफरेंट सिस्टम में ट्रांजिशन वेवलेंथ को कैसे मैच करवाना है और उसके लिए ट्रांजिशन ढूंढना है, एक आप ट्राई कर लो, यू ट्राई वंस, एक क्वेश्चन है डिटरमिन द ट्रांजिशंस इन Li2+, ट्रांजिशन इन Li2+ दैट गिव्स लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ एज इन 3:1 ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन। देखो जरा एक सेकंड को, 3:1 में मैच ही नहीं करेगा, एक सेकंड रुको, टू अगर कर ले तो 3:2 करो, अब ठीक है, हाइड्रोजन में 3:2 ट्रांजिशन में जिस वेवलेंथ की लाइट मिलती है उसी वेवलेंथ की लाइट लिथियम आयन में किस ट्रांजिशन में मिलेगी, यह है क्वेश्चन, ट्राई करो,
कुछ कर भी रहे हो या नहीं? गुड गुड गुड, देखो नेहा ने आंसर किया फटाक्स। जिसको समझ में आ जाए ऐश्वर्या का गलत है। जिसको समझ में आता है उसको पता चल जाता है नेहा ने सॉल्व किया, उसको पता है ये 10 सेकंड लगाओगे उसको सॉल्व करने में, समझ में आ जाए तो 10 ही सेकंड लगता है। बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि करना क्या है। एनी आइडिया? नो आइडिया? अरे बेशर्मो, देखो एक लड़की ने तुरंत सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर बता दिया, बाकी सब क्या कर रहे हो? इधर देखो, अब लगता है कुछ जान आया है, अब आंसर बताने लगे फटाफट। अरे नहीं, अरे दोनों ट्रांजिशन को मैच करना है, ट्रांजिशन को मैच करना है। अब इधर देखो, हाइड्रोजन में ट्रांजिशन हो रहा है 3 to 2, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे? ऐसे लिखो 1 upon lambda फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड, 1 होता है आर एच जेड स्क्वायर, 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 1 upon 3 का स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू 1 upon lambda फॉर Li2+। अब लिथियम के लिए लिखेंगे, ये क्या होगा? आर एच इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज 3, 1 upon N1 का स्क्वायर माइनस 1 upon N2 का स्क्वायर। इतनी सी बात इतने देर में नहीं समझ में आया? हाँ, और दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तो अगर वेवलेंथ इक्वल तो 1 upon lambda भी इक्वल होगा। RH को कैंसिल कर लो, लेफ्ट साइड में क्या बचा? लेफ्ट साइड में बचा 1/4 माइनस 1/9। राइट साइड में क्या बचा? इस 9 को अंदर ले जाओ, 9 upon N1 square माइनस 9 upon N2 का स्क्वायर। अब क्या कहा था मैंने? टर्म वाइज इक्वेट करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, तो 1 upon 4 इज इक्वल टू 9 upon N1 का स्क्वायर। यहां से N1 इज इक्वल टू, देखो 36 का रूट आ जाएगा 6, फिर 1 upon 9 सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, 9 upon N2 का स्क्वायर, तो N2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9 9 जाए 81 का स्क्वायर 9। यानी कि लिथियम में Li2+ में 9 से 6th ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन होगा तो उसी वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होगी जिस वेवलेंथ की लाइट हाइड्रोजन में 3rd ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में मिलता है। समझ गए? चलो मैं ऐसा करूंगा, ये अभी जो बोर मॉडल पे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं ना, उन सब का बैकअप मैं कंपाइल करके आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि इन सब को समझना है, और समझने के लिए अगर कहीं कोई अड़चन आ रही है तो रिपीट करना है, दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है। इतना ही नहीं, बोर्स मॉडल में थोड़ी तकलीफ आती है बच्चों को समझने में, तो इसलिए बोर्स मॉडल पे ना मैंने इंडिपेंडेंटली थोड़ा अलग टाइप का भी कुछ वीडियो शूट कर रखा है, 5 वीडियो बोर मॉडल पे, 5 पार्ट में मैंने 1-1 घंटे का 5 वीडियो शूट कर रखा है, वो मैं 1-2 दिन में ग्रुप पे डाल दूंगा,
गुड बेट गुड, तो वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। थोड़ा मेहनत करना, सीख जाओगे। 12वीं तक बच्चों को समझ में नहीं आता, 12th तक बच्चों को बोर मॉडल पता ही नहीं चलता है। ज़्यादातर टीचर क्या करता है, इसको स्किप कर जाता है। आधे घंटे में बोर मॉडल गंदा संदा कुछ बता के स्किप कर जाता है। मैं पिछले 5 दिन से आपको बोर मॉडल पढ़ा रहा हूँ। तो मेहनत करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है ना? चलो, तो आज यहाँ पे इसको रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं। बोर मॉडल में थोड़ा सा और रह गया कल करके, और फिर नेक्स्ट डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब करेंगे, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो।